Hey, hi everyone, this is Prashant back with a new video which is based on independence speech. Guys, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं प्रांजल जो कि 9th क्लास में पढ़ते हैं. प्रांजल ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें 15 अगस्त के ओकेजन पर लाइव ऑनलाइन क्लास में अपने टीचर्स और स्टूडेंट के सामने एक 2 से 3 मिनट की एक स्पीच देनी है, तो वो उसे किस तरह प्रिपेयर करें. तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्पीच के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके. तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं. एक छोटी सी स्पीच आपके सामने ये रही. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स. आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन. दिस वाज द डे इन 1947 व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, व्हेन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. वी आर फॉर्चुनेट दैट आवर फोरफादर्स फॉट फॉर अस एंड गिव अस अ लैंड ऑफ पीस. टुडे अ पीसफुल लाइफ दैट वी आर लिविंग टुडे It's just because of their sacrifices. There are so many great leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and so many others devoted their whole life to the service of the nation. Today, India is the largest democracy in the world and we are one of the most emerging economies in the world and developing rapidly in the field of technology, education, sports and so many others which couldn't be possible without freedom. So at the end of my speech, I would like to say that we must be proud to be an Indian and not to forget that they sacrificed their life to get us freedom. So now it's our time to take an oath to do something significant for our country. What we are now and what we have now is all given by our forefathers. So now we have to ask ourselves what we are going to give to our coming generation. So let's celebrate this occasion with joy and remember their sacrifices. Jai Hind, Jai Bharat. So guys, यहाँ पर आपने कुछ ऐसे words देखे हैं जैसे democracy. Democracy means होता है लोकतंत्र. जैसे मैंने एक sentence बोला भी था, India is the largest democracy in the world. इसी तरह मैंने एक sentence और बोला था, we are one of the most emerging economies. Emerging means होता है उभरना. Emerging means होता है उभरती हुई, यानी कि कैसी economy? उभरती हुई इकोनॉमी. इसी तरह एक वर्ड बोला है मैंने ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मींस होता है शुभ. फोर फादर्स मींस होता है पूर्वज. डिवोट मींस होता है समर्पित कर देना. तो गाइस ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो आपकी वोकैब अच्छी करने में काफी मददगार साबित होंगे. एंड गाइस हो सकता है आपको इसकी हिंदी एकदम से समझ ना आई हो, बट कोई बात नहीं, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है. तो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. जय हिंद, जय भारत.